सोनम चाहता है नौटंकी कर करके ड्रामा कर करके डुगडुगी बचा करके एक रोड पर जैसे उतरता है कैसे मडारी वाला आता है, इसी तौर से यह मोदी का नाटक या मडारी वाला खेल है। सर हम एक आशा कार्यकर्ता हैं, हम लोग तो गांव पूरा जागरूक कर दिए हर तरह से, टीबी का दवा खिला करके, बच्चा को टीकाकरण करा करके, प्रसव सुरक्षित करा करके, हर गांव में अपना जा जा करके अपना दवा हुआ बांट बांट करके हम लोग सब मान करके चलिए कि मेरे पूरा ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग को हम स्वस्थ हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार को हम लोग के ऊपर नज़र नहीं है। क्या मांग है आपकी सरकार? हम लोगों का मांग है 18,000 रुपया मासिक, और दूसरे में कि हम लोगों सरकारी कर्मचारी घोषित करें, हम लोग को हर तरह का व्यवस्था हर हॉस्पिटल में मिले। अभी कितना पैसा मिलता है? अभी तो कुछ नहीं मिल रहा है, खाली 600 रुपया मिलता है महीना का प्रोत्साहन राशि। कैसा राशि होता है वो भी पता नहीं, प्रोत्साहन राशि। आज मजदूर भी हैं तो उनका है जो वेतन या मजदूरी होता है निर्धारित है, लेकिन मेरा कोई तय नहीं, कोई मजदूरी नहीं। खसरा दीवार है 100 रुपया, बूस्टर दिवा रहे हैं 50 रुपया, प्रसाद ले जा रहे हैं 600 रुपया, ये हम लोग को भीख दे रहे हैं। शौचालय कहते हैं कि शौचालय बनवा दिए हैं सब, वो तो ठगने का काम कर रहे हैं ना। शौचालय में 2,000-12,000 देते हैं, 2,000 अपना घूस लेते हैं, तो हम लोग 10,000 में शौचालय बनेगा कैसे? सुनते हैं कि शौचालय को लेकर परेशान भी किया जाता है। हाँ, बहुत ज्यादा। किस तरह से जो बैठा रहता है महिला पर्दा पर उठाया जाता है और मार पीट के फोटो करके थाना में जमा हो जाता है सर हर चीज में। जैसे कि वो होता है कि इंद्रवास में आधा भी घोटाला है, 1.5 लाख रुपया मिल रहा है, उसमें 75,000 उनको बाबूजी के हैं। हर चीज में घुस, हर चीज। नरेगा में भी काम करिए तो जो खाता पर पैसा लो आधा पैसा आपका वापस देने पड़ेगा, न तो अबर में पैसा नहीं डलाएगा आपका खाता, घरे रख ले रहो। प्रधानमंत्री कहता है कि उज्ज्वला योजना में सब लोग को सिलेंडर दिए हैं। हाँ, आपको मिला है सिलेंडर? मिला है सिलेंडर निगमा गांव में, हमारा कम से कम 200 से ज्यादा निगमा में मिला है सिलेंडर। तो सब लोग सिलेंडर पर खाना पका रहे हैं? नहीं, बनक पका रहे हैं। एक तुरी मिला तो खाना बनाओ, कर बात पैसे न है तो फराएंगे क्या से? कितने घंटे काम कराया जाता है आपसे? 2400 घंटे हम लोग के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है। कोई टाइम नहीं है कि हम लोग रात में जाना है तो दिन में जाना है, जाड़ा गर्मी समय तो 24 घंटा अगर दरवाजा खटखटा दे गर्भवती महिला उसके पीछे पीछे जाना है। हमारा मान सम्मान का भी कोई गारंटी नहीं है। अगर हम 12 बजे रात में आए कोई छेड़छाड़ भी करता है उसका कोई गारंटी नहीं, कोई सम्मान मान की गारंटी नहीं। कहीं जा रहे हैं तो अपना खर्चा करके बस जाना आना है, अपना जाइए अपना खाइए अपना पीजिए, कहाँ रहिए कहाँ सोइएगा उसका कोई गारंटी। किराया कुछ भी नहीं। जैसे हम लोग के जो लड़ाई लड़े इस बार 38 दिनों के जो हम लोग हड़ताल किए हैं उसमें जो सरकार तय की कि 1,000 रुपये का आप लोग का महीने का 1,000 आंदोलन के बाद 38 दिन तक जब हमने हड़ताल किया उसके बाद जो तय किया है 1,000 का मान। बहुत खुश हुआ 1,000 का मिल रहा है, नहीं अभी भी नहीं मिला। कितना सिलेंडर भराने में लगता है पैसा? 1,000 रुपया लगता है। 1,000? हाँ 1,000 लगता है। 1,000-1,200 सरकार वोट घरी टीवी लगा देते सभी लगा देते टीवी लगा के अभी भी प्रचार करते हैं, सब नौजवानों को नौकरी देंगे। अभी हमको घर में 4 बच्चा है, चारों है ऐसे ही बैठ के झील रहे हैं, एको के कोई ने पैसे है गरीब आदमी को नौकरी दे रहा है। रेलवे में सीट है इतना खाली है, इतना फॉर्म भरो फॉर्म के अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन वाला भी लेता है 500 रुपया लेता है ना। 4 बच्चा के लिए 2,000 रुपया चाहिए, 2,000 रुपया चाहिए, 2,000 रुपया आदमी कहाँ से लाएगा? लाएगा वो कमाएगा कि खाएगा कि परवस्ती चलाएगा कि पढ़ाएगा, क्या करेगा? मोदी सरकार के आबरी भगा दिया जाए, मोदी सरकार के रसोईया खिलाफ लड़ाई लड़े, मोदी सरकार के खिलाफ ऐसा लड़ाई लड़े तो मोदी सरकार के खिलाफ वोट भी दे सकते हैं। किसको वोट देंगे? वोट देंगे कि जे रसोईया के लड़ाई लड़े, सक्रिय लड़ाई लड़े, दुख सुख ने शामिल रहे, यहाँ से लेके विधानसभा ने उनको बात पहुँचाई है, लोकसभा ने बात पहुँचाई। कौन है ऐसे लोग? हमारा भापा माले हैं, कुंती देवी हैं। क्यों जिताना चाहिए कुंती देवी को? हम लोग की इज्जत को लिए, मान सम्मान को लिए, मार मजदूरी के लिए, हर चीज को लिए कुंती दीदी रोड पर उतरते हैं, उसी के लिए हमारा कुंती दीदी को हर हाल में जिताना है। घर घर जा करके वोट कर करके हम लोग दूसरे के वोट की जिम्मेदारी का वोट कम लगने जरूरत नहीं है, कोई जिम्मेदार का वोट हमको
से या मजदूर के वोट से, किसान को वोट से, हम कुंती दीदी को जिताएंगे और हमेशा जिताएंगे।